अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अभी तो व्लॉग इस तरह स्टार्ट कर रही हूँ, फिर आगे आगे दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो मेरी वीडियो में आज ये है कि आज कल है लॉन्ग वीकेंड और वेंसडे तक सबको ऑफ है और कोई भी ना स्कूल है ना ऑफिस है और सब इंजॉय कर रहे हैं नेशनल हॉलीडे एंड नेशनल सेलिब्रेशन। उसके लिए हम लोग 3 दिन काफ़ी घूमते फिरते रहे, बच्चों को घुमाया और उसके बाद फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हैं तो हमने 2 हफ्ते कहीं नहीं जाना, तो इसलिए बच्चों को हमने कहा कि अच्छा है जितना इंजॉय करना कर लो। हम बच्चों को ले जा रहे हैं तैयार होकर प्ले एरिया और इनको हम प्ले एरिया छोड़ेंगे इस तरह से कि 1 घंटा मैं बैठूँगी, 1 घंटा मेरे हस्बैंड बैठेंगे, वो अपनी चीज़ें देखेंगे, फिर मैं अपनी चीज़ें देखूँगी और जो जो हमें पसंद आएगा वो हम ख़रीद लेंगे। तो आज हमारा यही प्लान था और आपको पता है वीकेंड भी है साथ में, तो हम लोगों ने आज कुछ भी नहीं बनाया है क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट मैंने घर पे बना लिया था, आलू के पराठे और मूली के, और उसके बाद दोपहर में मैंने पहले ही आपको बताया हुआ थर्सडे को मैं बिरयानी बना के रख लेती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को बिरयानी बहुत पसंद है, उसको बिरयानी खिलाई थी। और रात का डिनर हम लोग सब इकट्ठे बाय करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे बच्चों को मैंने ड्रॉप किया है और मैं जा रही हूँ पहले देखने काफ़ी चीज़ें, और जो जो मैंने ली हैं वो एंड में फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैं हर ब्रांड में गई हूँ और क्या क्या लेकर आई हूँ, और अच्छी अच्छी मुझे चीज़ें मेरी फेवरेट मिल गई। और मेरे हस्बैंड उसके बाद गए, उन्होंने अपने लिए चीज़ें लीं और उनकी तो खैर मैं चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा शेयर नहीं करी, मगर ये कि यहाँ पर बच्चे काफ़ी तफरियाँ और मज़े कर रहे हैं वो आप देख रहे हो। और बस इसके बाद ये कि ज़्यादा बच्चों को आप अकेले नहीं छोड़ सकते, तो उनके साथ कोई ना कोई हो, तो हम अच्छे हम टर्न्स लगा लेते हैं अपनी अपनी, पहले वो चले जाते हैं या मैं चली जाती हूँ, दोनों में से कोई भी चला जाता है और वो जो दूसरा होकर आ जाता है तो फिर बाद में जो रह जाता है वो जाता है। तो इस तरह से आपका एक अच्छा रहता है कि बच्चे भी आपके कंफर्ट जोन में होते हैं और आपकी नज़र के सामने होते हैं और साथ में आपकी शॉपिंग भी हो जाती है और आपका भी एक एंटरटेनमेंट हो जाती है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। जी ये भी एक ब्रांड है, इसकी इयररिंग्स और
नेकलेसेस और रिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। इसका नाम है पफुआ एंड पफुआ इज़ अ वेरी नाइस ब्रांड। और इसके नेकलेसेस स्पेशली जो क्लचेस हैं ये भी बहुत अच्छे होते हैं, तो मुझे यहाँ से बड़े अच्छे ईयर रिंग्स मिल गए तो मैंने वो भी ले लिए। मानीफेजी cutest baby, nobody can be like him, he is my jano mano choni moni meri aage, yes mera baby, ha yes come you also do that in the ride of the roller coaster like that, okay we did it already, yes come again, where is Faizan, okay come come all the options but my tea is just amazing. Can we go home? Where are you? यहाँ बच्चे खूब थक चुके हैं क्योंकि खूब खेल चुके हैं,
तो थकने के बाद ये तो होता है, यूजुअली ये होता है कि मैं अक्सर अपने साथ, आप देखते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रोलर मैं ज़रूर कैरी करती हूँ, अभी तक मैंने स्ट्रोलर नहीं फेंका, मैंने संभाला हुआ है कि कभी कभी आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है और फिर बाद में आपको अफसोस होता है कि आपने उसे क्यों फेंका था। तो मैंने अपने साथ एक कैरी करती हूँ, तो आज मैंने गाड़ी में रहने दिया, नहीं लाई तो बच्चे थक गए हैं, तो डैडी दोनों को बेचारे उठा के ले जा रहे हैं और कोई हाल नहीं, सारे ज़ाहिर है बच्चों का वेट तो होता है। तो मैं यही कह रही थी कि तुम थक जाओगे रहने दो, पहले एक को मुझे दे दो, मगर वो दोनों कह रहे हैं हमें डैडी के ही पास जाना है। ओरिजिन्स की भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, जिसमें मैं ये ओरिजिन्स का एक तो पाउडर लगाती हूँ, हमेशा मैं वो यूज़ करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड में, और साथ में इसका एक मास्क आता है 3-in-1, वो फेशियल के बाद यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। मेरी मम्मी के पास रह गया है, जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी तो मैं वहीं भूल गई, तो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तो लेकर आऊँगी, तब तक मम्मी भी यूज़ कर लेती हैं क्योंकि उनको भी ये प्रोडक्ट्स अच्छी लगती हैं और यहाँ से भी मिल जाता है ईज़िली, तो मसला नहीं होता, जब चाहिए हो तो मैं ले लेती हूँ। होगा इंतज़ार आई एम श्योर इस चीज़ का कि मैंने क्या शॉपिंग की, मैंने क्या लिया है, तो मैं आपसे वो सब शेयर करूँगी आज कि मैंने क्या ख़रीदा है, इतनी सारी चीज़ें ली हैं मगर क्या क्या लिया है, तो वो मैं अब आपसे शेयर करने लगी हूँ और आपको दिखाने लगी हूँ कि मैंने H&M से क्या लिया, सफोरा से क्या लिया। और अक्सर होता है ना हमारे, फिर जब मेकअप और कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जो अक्सर बच्चे तोड़ देते हैं, वो भी आपको ख़रीदनी होती हैं, और उसके साथ स्केचर्स से एक मैंने शूज़ लिए हैं क्योंकि स्केचर्स बहुत अच्छा है कि आपको अगर लॉन्ग वॉक करनी है कुछ ऐसे है, क्योंकि माएँ तो बच्चों के साथ थक जाती हैं, तो उसमें आपके पास स्केचर जैसा ऑप्शन बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा परफ्यूम्स लिए काफ़ी सारे, और आपको पता है आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ परफ्यूम्स, परफ्यूम्स के साथ मैं खैर मुझे सबसे पहले ज़ारा से क्या लिया, इधर से क्या लेकर आई हूँ ये आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हैं ज़ारास के बहुत ज़बरदस्त किस्म के परफ्यूम्स जो कि अक्सर नहीं मिल रहे होते, बहुत लेट मिल रहे होते हैं, और मुझे ये बहुत पसंद है, मैं बहुत पुराना इनको यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैंने लिए हैं। इसमें ये होता है कि एक मैं यूज़ कर लेती हूँ, एक मेरी मामा यूज़ कर लेती हैं, तो हम लोग दोनों इस तरह पैकिंग कोई भी ले रहे हैं, या वो कभी ले रही हैं कभी मैं ले रही हूँ, तो एक मेरा ज़रूर होता है उसमें, और अगर मैंने लिया हो तो एक मम्मा का ज़रूर होता है, तो इस तरह से होता है कि अपनी मम्मी के लिए और अपने लिए मैं ये परफ्यूम ले लेती हूँ। साथ में मैंने लिए थी, साथ में मैंने लिया बड़ी ज़बरदस्त इस पर डिमोंटीज मैंने खुद ही ऐड किए क्योंकि बहुत प्लेन सी थी, और ये लॉन्ग ड्रेस है बहुत मज़े का और इसका प्रिंट बहुत खूबसूरत है, तो मुझे ये बहुत पसंद आई, तो मैंने कहा ये तो मैंने लेना है, ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकती, ये लॉन्ग ड्रेस भी है, आप इसको जैकेट्स के साथ पहन सकते हैं, नॉर्मल पहन सकते हैं, तो एक ये ली। अब आ जाते हैं सफोरा पे, सफोरा से क्या लिया, और इस क्या से पहले जो मुझे मेरा मोस्ट फेवरेट मेरा फाउंडेशन, जी मैं ये यूज़ करती हूँ, इसके साथ दो और फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, जल्दी आपसे वो भी शेयर करूँगी, और मैं मिक्स करके यूज़ करती हूँ, ये है अर्बन डिके का, और ये मुझे बहुत सूट करता है, मेरी स्किन पे अच्छा रहता है, तो मुझे ये पसंद है, तो मैंने शुरू से इसी को यूज़ किया, तो ये मैंने लिया है, और मैं ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने कहा इसको मैं ले लूँ, और मैंने दो तीन मिक्स करके लगाती हूँ,
इसके साथ मेरा हाइलाइटर जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर है, अभी मैंने कुछ भी नहीं खोला। एक और मेरा हाइलाइटर है मगर ये चीक्स पे भी मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये वाला जो मैं चीक्स पे लगाती हूँ। और ये मेरा है, इसको मैं आईज़ पे भी यूज़ करती हूँ, लिप्स पे भी यूज़ कर लेती हूँ और साथ में जो है मैं एज अ ब्लश के ऊपर भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मेरा 3-in-1 आप कह सकते हैं, मुझे बहुत मेरा फेवरेट होता है ये कलर। कभी कभी मुझे नहीं मिल रहा होता मगर इस दफ़ा मिल रहा था, सामने था तो मैंने फटाफट उसको ग्रैब कर लिया कि इससे पहले कोई और ले जाए, और ये बड़े कम मिलते हैं मुझे। ये हो गया हमारा सपोर्ट। अब हम आ जाते हैं स्केचर्स पे। स्केचर्स से मैंने लिया है, अभी तक मैंने पहना भी नहीं है। मेरा शूज़ जो कि मैं ट्राई भी करी थी, वन ऑफ द बेस्ट कंफर्टेबल शू, क्योंकि इसका एक तो ये बैकलेस है तो बड़ा इजी एंड वेरी कंफर्टेबल। से मैंने अपने फेवरेट लिए हैं नेल्स, बड़े मज़े के नेल्स, और साथ में एक बड़ा क्यूट सा ये मग था जिसके ऊपर एक छोटा सा लाइन बना हुआ है। ये देखिए आप, ये है, नहीं बना सकी, अभी मैंने बनाई है। और इसमें ये मज़े के ये, क्योंकि मेरे पास कितना भी गोल्ड हो, कितने भी डायमंड हो, मगर मुझे ये चीज़ लड़कियों वाली से मैं बाहर नहीं आई कभी ज़िंदगी में। मुझे ऐसी चीज़ें पहनना बड़े पसंद है। लेकिन इसके साथ ये जो मैंने लिए हैं ये मेरी एरोपोस्टल की हैं, ये उस ब्रांड की हैं, और ये सब मिक्स एंड मैच मेरी H&M से भी मैंने लिए हैं और एक और आते आते एक स्टोर से भी मैंने लिए हैं। लेकिन ये मेरा एक पूरा बन गया, जब मेरा दिल करेगा, जो उनसा दिल करेगा वो पहन लूँगी। घर को निग्लेक्ट नहीं करते हुए किचन के लिए लिया है छोटा सा पेपर, अगर कोई जगह पर जैसे आपको होता है वो थोड़ा सा डर्टी लग रहा होता है तो वहाँ आप ये स्टिक कौन सा लगा दें। इसके प्रिंट भी बड़ा प्यारा सा है और ख़ूबसूरत भी लगेगा, और किचन भी आपका। मेरे हस्बैंड ने मेरी ख्वाहिश की है पूरी और लेके दिए मुझे डिजिटल वॉच। अब बात ये कि मैंने ली तो सैमसंग है, हम फ़ोन में हमेशा सैमसंग यूज़ करती हूँ और मेरे पास सैमसंग की पहले वॉच भी है, मगर सैमसंग ने मुझे कभी भी वॉच में अच्छा नहीं रहा। तो ये खैर मैंने अभी ओपन तो नहीं की, अभी मैंने ओपन करनी है। तो ये है हवावे की, जिसको अक्सर गलत प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, हवाई। नो, इट्स नॉट हवाई, इट्स हवावे। सो दिस इज़ द वन वॉच आई एम गोइंग टू ओपन, आई विल वेयर सम डे इंशाल्लाह, आई विल बी शेयरिंग विद यू। लेकिन बड़ा मज़े का गिफ्ट, वन ऑफ माई फेवरेट गिफ्ट। गिफ्ट अच्छे ही होते हैं सारे, चाहे वो कोई भी दे रहा हो, आपका चाहने वाला, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स। मेरे लिए सबका एक फूल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरी फ्रेंड्स मुझे शर्ट दे दें, मुझे फूल दे दें, मुझे दुआएं दे दें, मुझे बहुत मेरे दिल के करीब होते हैं। जो लोग मेरे दिल के करीब हैं उनसे मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। मेरी शुक्र है अल्लाह ने आदत भी रखी है, मेरा दिल देने वालों में से, लेने वालों से आई नेवर एक्सपेक्ट। और एक्सपेक्टेशंस मेरे पहले होते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है एक्सपेक्टेशंस कभी भी किसी से नहीं रखोगी, यहाँ तक अपने बच्चों से भी, तो ज़िंदगी में बड़ी कामयाब और खुश रहोगी। अब आ जाते हैं हमारे सारे अरेबिक फ्रेगरेंसेस जो कि अवेलेबल हैं अच्छे पेरिस गैलरी में। आप जाएं वहाँ पे आपको हर किस्म के परफ्यूम्स मिल जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड का ये मेरा मामा और हस्बैंड का तो गिफ्ट हो गया, और ये है मेरे डैडी का, और फिर साथ में मेरा और मेरी भाभी का। भाई आपने कब जाना है, तो फिर मैं उनके हाथ या कभी खुद जाऊँ तो मैं उनको ज़रूर अपने भाई बहन भतीजे को सबको बड़े शौक से, अपनी भाभी को। खैर भाभी के तो क्या ही कहने, वो तो मेरी बहन है, मुझे कभी नहीं लगा कि वो मेरी भाभी है, मैं उसकी नंद हूँ। हमारा इतना खूबसूरत रिश्ता है, अल्लाह पाक इसी तरह रखे, अभी वो देखेगी तो बड़ी खुश होगी, और हम बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह हैं। उसकी बहुत बहनें हैं लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन मेरे लिए वही मेरी बहन है, और मेरी हर सीक्रेट भी मैं उसके साथ शेयर कर लेती हूँ, मेरी हर बात मैं अपनी उससे शेयर कर सकती हूँ। इतना अच्छा खूबसूरत रिश्ता है मेरी भाभी के साथ मेरा, अल्लाह पाक उसको हमेशा खुश रखे अपने बच्चों के साथ, सबके साथ, आमीन सुमामीन। और मेरे माँ बाप की इज्जत करती है तो मेरा दिल ही जीत लेती है। और ये है मेरा ऑल्डो का शूज़ जो मैं रात को ले आई हूँ, और मैंने 3 दिन की शॉपिंग आपसे इकट्ठी शेयर की, अभी देखें इसको पहनती हूँ तो फिर दिखाऊँगी आपके साथ, शेयर करूँगी। अभी तो मैं ये सोच रही हूँ शायद ये मेरी मम्मी को पसंद आ जाएगा, तो कहीं मैं उनको ना दे दूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा मामा का 1/2 इंच का फ़र्क है, तो हम दोनों मिलके भी पहन लेते होते हैं अक्सर। मम्मा कोई जूता लें तो मेरा भी ले लेती हैं, मैं उनका कोई जूता पसंद आए मैं ले लेती हूँ। तो आई होप आपको आज का भी वीडियो अच्छा लगा हो। कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स, कुछ चीज़ें जो मैंने और ली हैं जो कि मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हो, आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टेल योर फ्रेंड्स, कीप मी एंड माई फैमिली इन योर दुआ।
और बिल्कुल मत सोचें, जो भी वीडियो बनाता है ये मत सोचें कि हमें नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, हमें डिसलाइक्स आएंगे, क्योंकि उनको आप इतनी वर्थ तो है नहीं कि उनको हम कोई जवाब दें। तो बेहतर है ऐसे लोगों को जवाब नहीं दें, बल्कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि बकअप कर रहे हैं कि यू आर नाउ सक्सेसफुल, यू आर ऑन द लैडर ऑफ सक्सेस। सो प्लीज़ इन्जॉय दिस डिसलाइक्स प्लीज़, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 8 दिस टाइम। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।